हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा एक डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का गठन किया था, और इस कमेटी का काम यह था कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट स्कूल की गलतियों की वजह से खराब हुए हैं, या जो स्कूल का रेफरेंस दिया था, स्कूल का जो पिछला रिकॉर्ड था, उसकी वजह से इन बच्चों के नंबर कम कर दिए, चूंकि उनके नंबर बहुत अच्छे आते, तो जांच करने के लिए इन्होंने स्कूल के जो रिजल्ट कमेटी था उसका भी गठन किया। और रिजल्ट कमेटी का काम यह था कि उन बच्चों के रिजल्ट को दोबारा जाँच करना, यदि उन बच्चों के नंबर बढ़ाए जा सकते हैं तो उनका नंबर बिना एग्जाम के बढ़ा दिए जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों सीबीएसई द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका नाम था SRSR, और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन बच्चों को रिजल्ट दोबारा से चेक किया जाना था। और सीबीएसई ने कहा था कि 16 अगस्त तक इन सभी चीजों का निस्तारण कर दिया जाएगा और 16 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएंगे। दोस्तों, तो आज है 16 अगस्त। हम सभी छात्र छात्राएं जो वेट कर रहे हैं कि 16 अगस्त तक सीबीएसई कब तक अपना रिजल्ट जारी करती है, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई ने कहा था कि 16 अगस्त से रिजल्ट आ जाएंगे। तो आई होप कि आज रिजल्ट आ जाए, बस सब कुछ अच्छा हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। टाइम से सीबीएसई अपना रिजल्ट जारी करते हैं, बट जैसे सीबीएसई के लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ समय देख रहे हैं कि सीबीएसई जिस दिन अपना वादा करती है उस दिन वादा को पूरा नहीं करती है। बट फिर भी हम एक होप बनाए रखते हैं कि आज हो सकता है शाम तक डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का रिजल्ट आ जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस यही कह रहा था आप सभी से, लोगों से, बस आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।